अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान के चैनल से मैं हूँ शफीक शुजात। नाज़रीन, मशहूर फातेह सिकंदर आज़म से किसी ने पूछा कि आपके नज़दीक उस्ताद का मकाम ज़्यादा है या वालदैन का, तो सिकंदर आज़म ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया। सिकंदर आज़म ने उस पूछने वाले से कहा कि मेरे जो वालदे मोहतरम वालदैन थे वो मुझे आसमानों से ज़मीन पर ले आए, और जो मेरा उस्ताद था वो मुझे ज़मीन से उसने उठाया और इलम की बुनियाद पे मुझे आसमानों की बुलंदियों में ले गया। मेरे नज़दीक उस्ताद का जो मकाम है वो वालदैन से भी ज़्यादा है। तो हमारे माशरे में देखा गया है कि असातिज़ा को जिस मकाम की ज़रूरत है, जिस इज़्ज़त और प्रोटोकॉल की ज़रूरत है, वो नहीं दिया जा रहा। लेकिन मेरे इर्द गिर्द जो तीन नौजवान बैठे हैं, ये एक अज़म के साथ निकले हैं। इनका एक मिशन है, इनका एक टारगेट है कि हमने असातिज़ा को इज़्ज़त देनी है, प्रोटोकॉल देना है, रिस्पेक्ट देनी है, वो मकाम जो असातिज़ा का था वो वापस दिलाना है। तो ये मेरे जो इर्द गिर्द तीनों नौजवान बैठे हैं, ये एक तकरीब करने जा रहे हैं असातिज़ा के एजाज़ में। इन नौजवानों ने 2003 में मैट्रिक का इम्तिहान गवर्नमेंट हाई स्कूल कोर्ट शौकत सुल्तान से पास किया। अब इनका इरादा ये है कि आज से 18 साल पहले ये जिस स्कूल में पढ़ते रहे हैं, उस वक्त के जो तमाम असातिज़ा थे उनको ये इनवाइट कर रहे हैं उस फंक्शन में। उसके अलावा जो मौजूदा टीचर्स हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल कोर्ट शौकत सुल्तान में, उन सबको इन्वाइट कर रहे हैं बमा मुलाजमीन के इनका। और इसके अलावा इनके जो वो दोस्त थे जिन्होंने 2003 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था, उन सबको इन्वाइट कर रहे हैं उस फंक्शन में। और इनके क्या मकासद हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये हम जानेंगे। मेरे राइट साइड पे जो नौजवान बैठे हैं, अली अंसर शाम इनका नाम है, ये सारा प्लानिंग एजेंडा और लीड कर रहे हैं इस सारी तकरीब को और सारा फंक्शन को। हम इनसे जानेंगे कि इनका क्या एजेंडा है, क्या सोच है, ये क्या लेके इस फील्ड में निकले हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो बेटा बताइए, ये कि आपकी क्या सोच है, ये आज के दौर में तो इंसान के पास टाइम नहीं होता, अपनी मसरूफियात इतनी होती हैं, मादियत प्रस्ती इतनी हो गई है कि वालदैन को लोग रिस्पेक्ट नहीं देते, आप इसे एक दर्जा आगे बढ़ के असातिज़ा को प्रोटोकॉल देने निकले हैं, तो क्या सोच कर आपने ये कदम उठाया? जी सबसे पहले तो मैं अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मलक शमशीर अदरवान साहब और हाफ न्याज साहब, जिन्होंने मेरे इस मिशन को कामयाब करने के लिए अहम किरदार अदा किया। दूसरी बात यह है कि हमने इसको स्टार्ट किया था तकरीबन 12 साल पहले। हमारा मकसद था कि जो हमारे बिछड़े हुए साथी हैं, जो हमारे साथ 2003 में मैट्रिक पास कर चुके थे, कि उनको इकट्ठा करें किसी एक प्लेटफॉर्म पे। लेकिन वो हम कामयाब ना हो सके, लेकिन हमने उसको छोड़ा नहीं, हमने उसको जारी रखा। तो एक माह पहले हमने फिर इसको कंटिन्यू किया है प्रॉपरली तौर पर कि हम इसको लेकर आगे चलें। तो उसमें सबसे पहले हमने ये किया कि अपने जो साथी थे तकरीबन 100+ थे उस टाइम के क्लास फेलोज, उनको हमने इकट्ठा करने का पहले प्लान बनाया। तो अपने आज साहब और मलक शमशीर साहब ने मेरा भरपूर साथ दिया और हमने मिलकर एक माह में तकरीबन सब साथियों को ढूंढ कर इकट्ठा कर लिया और एक ग्रुप की शक्ल दे दी। दूसरा इसमें यह है कि हमने जब ये प्रोग्राम बनाया, इकट्ठा कर लिया दोस्तों को, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक पार्टी का एहतमाम किया जाए। तो पार्टी के हवाले से हमने साथियों से मशावरत भी की, मिल बैठ के हमने मशवरा किया कि इसको कैसे करना चाहिए। तो फिर हमने एक और प्लान इसके साथ अरेंज किया कि क्यों ना हम दोस्तों को एक सरप्राइज दें कि हम अपने साथा को बुला लें लेकिन दोस्तों को ना बताएं। जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए तो फिर हम अपने साथा को बुलाएं और जो हमारे क्लास फेलो हैं जो 18 साल से हमसे बिछड़ चुके थे, उनको ये देख कर एक शौक लगेगा कि ये सरप्राइज जो हम उनको दे रहे हैं। तो उसको हमने अरेंज किया, साथा से मुलाकातें हुई, उसको हमने अच्छे तरीके से प्लान किया। लेकिन बाद में काफ़ी दोस्तों ने कहा कि इसको हम थोड़ा बढ़ा लें, जो असातिज़ा के साथ जो स्कूल के मुलाजमीन हैं उस दौर के, उनको भी बुला लें, कुछ रिटायर हो चुके हैं, कुछ ड्यूटी कर रहे हैं। तो हमने उनको भी इनवाइट कर दिया है और तकरीबन हम 5 सितंबर को हम इंशाल्लाह इसका एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथा और हमारे क्लास फेलोज जो 2003 में हमारे साथ मैट्रिक कर रहे थे, उन सबको हम इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा, फरमाइए ये कि क्या ये एक तकरीब के बाद ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा या सिलसिला आगे भी चलेगा? नहीं सर, हम इसको ख़त्म नहीं करना चाह रहे, हमने इसको आगे लेकर चलना है और मुस्तकबिल में इसको हमने एक प्रॉपर एक इसको ना वेलफेयर टाइप एक इसको लेके आगे निकलेंगे और दोस्तों के साथ मशावरत करेंगे हमने इसको कैसे चलाना है, और हमने इसको छोड़ना नहीं है, ये इस पार्टी तक महदूद नहीं रखना, हमने इसको आगे लेकर चलना है। तो उसके लिए हम दोस्तों से मशावरत करेंगे जो हमारा ग्रुप है पूरा, उसके बाद कुछ इसका लाए अमल बनाएंगे और इसकी प्रॉपर जो प्लानिंग करेंगे। अच्छा, मेरी लेफ्ट साइड पे मलक शमशीर साहब बैठे हैं, हम इनसे पूछेंगे। मलक साहब फरमाइए ये कि आप 18 साल के बाद अपने असातिज़ा से मिले, कुछ ऐसे थे जो रिटायर्ड हो चुके, क्या आया कुछ ऐसे भी मिले जो इस दुनिया में अब नहीं है?
जी बिल्कुल सर, हमने जब 18 साल हमें बीत गया, हम इकट्ठे थे, तो ये आइडिया हमने बनाया तीन दोस्तों ने मिलके। तो मुझे तो खुशी हो रही है सर, सबसे पहले कि ये हमारा जो है ना एक महीना की स्ट्रगल में हम ये कामयाब हुए हैं, और मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं जो मैं बयान कर सकूं कि सिर्फ एक दिन बाकी है, 5 सितंबर को इंशाल्लाह हमारी पार्टी है। और सबसे ज़्यादा हमारे उस्ताद थे और हमारा दिल भरा था जब हम उनका नाम लेते हैं, अकबर साहब, वो इस दुनिया में नहीं है, हमें कमी महसूस होगी उनकी इंशाल्लाह। हम दुआ भी करेंगे उनके लिए पार्टी में, बकायदा जब पार्टी का आगाज़ होगा तो एक हमारे उस्ताद इकराम जो हैं लालदीन साहब, वो भी इस दुनिया में नहीं है, और उनके लिए भी दुआ। और जो स्टूडेंट इस दुनिया से चले गए, वो दो स्टूडेंट हैं हमारे, मोहम्मद इकबाल, मलिक इकबाल है, वो अवान कलां से मेरे दोस्त से, और दूसरे का नाम सानीवाल से हमारे एक दोस्त से, मोहम्मद अख्तर, वो भी इस दुनिया में नहीं है। इंशाल्लाह हमारी पार्टी के आगाज़ में हम उनके लिए दुआ करेंगे, बकायदा पार्टी का, उसके बाद हम ये स्टार्ट करेंगे। तो सर अच्छा लगा जब हम टीचर हजरात के पास गए, तो कुछ टीचर हजरात हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं, मतलब अपना दूसरे कुछ ड्यूटी भी कर रहे हैं। हम जब ड्यूटी के टाइम उनके पास पहुंचे तो पहले तो उनको यकीन नहीं हो रहा था कि यार इस तरह भी कुछ होता है कि सबसे मुनफरिद और अलहदा सा एक ये आप फंक्शन कर रहे हैं, किसी शादी का नहीं है ये मतलब पैगाम, और ना ही किसी कोई और तकरीब है, स्टूडेंट आप इकट्ठा कर रहे हैं। मलिक साहब आप फरमाइए कि ये जो आप करने जा रहे हैं एक बंदे का ये बस की बात नहीं है, आप एक पूरी टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रा बताइए उन दोस्तों के नाम जो आपके साथ मुकम्मल तावन कर रहे हैं। सर नाम तो बताएं तो बहुत लंबे, बहुत ज़्यादा नाम हो जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा जो हमारे साथ तावन कर रहे हैं वो हम तीनों ही। मलिक साहब आप फरमाइए ये कि आपके साथ दोस्तों का मुकम्मल तावन है और आप भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं दिन रात एक किए हुए अपने प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए, तो आप खुसूसन मैं चाहूँगा कि अपने उन दोस्तों के नाम बताइए जो आपके साथ भरपूर तावन कर रहे हैं। जी सर नाम तो बताएंगे तो काफ़ी दोस्त इसमें आ जाएंगे जो हमारे साथ ये पार्टी को कामयाब करने के लिए हमारा जो जिसने साथ दिया, वो हमारे दोस्त हैं डॉक्टर हाफिज नियाज साहब, और इन्होंने बहुत मेहनत की हमारे साथ। अगर रात 12 बजे भी हमने इनको फ़ोन किया ना कि भाई फलां बंदे को पास जाना है, उसको दावत देनी है, इसके लिए हमारा जो क्लास फैलो है तो, और वो उसका गांव 20 किलोमीटर दूर है, तो ये हाँ ये पहुँचे हैं। और जिस जगह पे हम थक जाते थे उस वक्त ये दलेरी के साथ हमारा साथ दे, फ़ोन करते थे कि भाई जल्दी आ जाओ, कितने खड़े हो गए हो, तो असी उस टाइम फौरी मतलब साढ़े अगर थकावट भी साड़ी ख़त्म हो जाती सी इन्हों की इस गल सुन के। अच्छा हाफिज नियाज साहब आप के अंदर ये जज्बा कैसे पैदा हुआ, जिस तरह मैंने भी आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखा है आप भरपूर हर जगह नज़र आ रहे हैं, तो कैसे पहुँचते हैं इतनी जल्दी और अपनी मसरूफियात सारी छोड़ के अब इस काम के लिए आपने अपना वक्त सर्फ कर रखा है, ये कोई आपके अंदर कोई ऐसी ताकत छुपी हुई है या कोई कुरान पाक की बरकत है, क्या मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, मेरे क्लास फेलो हैं, तो जब मेरे पास जो आए तो इन्होंने हमारा हमें बताया मुझे, तो मैंने ये महसूस किया ये मोहब्बत का एक पैगाम है तो हम इसको आगे लेकर बढ़ें। जब इन्होंने बताया हम दोबारा सारे क्लास फेलोज मिल रहे हैं तो ऐसे हमने इसको टारगेट को अचीव करना है, तो मैंने कहा इंशाल्लाह ये हम जल्द करेंगे और हमने इंशाल्लाह किया। अच्छा ये कहीं आपका इरादा कोई बलदियाती इलेक्शन लड़ने का तो नहीं? सर अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले भी इतने कमज़ोर नहीं हैं, हमारा वोट बैंक भी है, लेकिन ये हमारे भाई हैं, टीचर जो हैं वो हमारे वालदैन की तरह हैं, उनका एहतराम हम करते हैं। सर हम मोहब्बतें बांटना चाहते हैं, दुख नहीं किसी को देना चाहते, इंशाल्लाह हम मोहब्बतों के लिए ये कर रहे हैं, हम मोहब्बत का दुनिया को एक पैगाम देना चाहते हैं और इंशाल्लाह ताला ये हमारा जाने के बाद भी इस दुनिया में पैगाम मोहब्बत का इंशाल्लाह रहेगा, हम अच्छाई करना चाहते हैं, बाकी अल्लाह पाक हम यो नासर हो सबका। मलिक साहब आप अपनी मसरूफियात में से फिर किस तरह टाइम निकाल रहे हैं इस काम के लिए? सर टाइम तो निकलता नहीं है, अगर कोई एक बंदा भी है उसको कोई और काम नहीं है, बस घर में वो सब्जी लेके आए तो वो भी उससे भी पूछेंगे तो वो टाइम नहीं निकालेगा, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है। कुछ काम ऐसे होते हैं सर कि जिस तरह हमने टाइम निकाला, हमारी भी मसरूफियात हैं, हमारा काम है, कारोबार है उसको चलाने के लिए, लेकिन ये एक महीना जो है ना ये हमें डिस्टर्ब तो हुए, मतलब तो ये काम करने के लिए हमें टाइम निकालना पड़ना था और हमने वो टाइम निकाला और बड़ी मुश्किल से। अली अंसर शाम आप ये फरमाइए कि आप दोस्तों के पास गए, आप असाज़ा के पास गए, कहीं से आपको मायूसी का सामना करना पड़ा, किसी बंदे ने सख्त जवाब दिया नहीं भाई मेरे पास टाइम नहीं है, कभी ऐसा हुआ? नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि दोस्तों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया और असाज़ा ने खास तौर पर
में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, प्यार दिया, और हमारी इस जो हमने ये काविश की है इसको बहुत सराहा और हमें दुआएं भी दी। हम असाज़ा के मशकूर हैं और दोस्तों के भी जिन्होंने हमें इतना प्यार दिया। हम जिस दोस्त के पास भी गए, रात 11 बजे भी गए तो उन्होंने हमें वेलकम किया, तो हम उनके बहुत मशकूर हैं और उन्होंने हमारे साथ हर तरह से तआवुन किया। अच्छा, आप हमारे चैनल की तवस्सुत से वो उन नाज़रीन को पैगाम देना चाहें जो आपके साथी हैं, दोस्त हैं, या वो असाज़ा हैं जो हमारा चैनल देखते हैं, तो आप ज़रा तफसील से बता दें आप 5 तारीख को कितने बजे और किन लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे टेलीफोन भी आया था, कुछ दोस्त कह रहे थे कि हमने 2011 में किया है मैट्रिक, हम शामिल हो सकते हैं या नहीं, आप ज़रा तफसील से बता दें। जी बिल्कुल, ऐसा ही है, मुझे भी काफ़ी दोस्तों की कॉलें आई हैं कि आप हमें भी इन्वाइट करें, हमने 2005 में किया है, कोई कह रहा है हमने 2006 में किया है मैट्रिक, तो फ़िलहाल हमने उनको यही कहा कि हमने अपना बैच जो हमारा है 2003 का, फ़िलहाल हम उनको इनवाइट कर रहे हैं, हमारा जो प्रोग्राम है सिर्फ उनके लिए, और वही साजा जो हमें 2003 में पढ़ा रहे थे और जो गवर्नमेंट हाई स्कूल को चौक सुल्तान के मौजूदा टीचर हजरात हैं, सिर्फ हमने उनको इनवाइट किया है, और बाकी जो दोस्त हमें कह रहे हैं कि हमें भी बुला लें या हमें भी इन्वाइट करें या हम शामिल होना चाह रहे हैं, तो उनके लिए हम फिर बाद में कोई प्लान बनाएंगे कि क्या किया जाए। अच्छा, तो आप ये जो तकरीब है ये 5 तारीख को कर रहे हैं, कितने बजे कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह ये 5 तारीख को 5 बजे, शाम 5 बजे मरियम मैरिज हॉल में हम कर रहे हैं ये प्रोग्राम। तो इसमें जो आपके असातिज़ा जिनके पास पढ़े हैं वो इनवाइट हैं, और जो मौजूदा गवर्नमेंट हाई स्कूल कोट शौक सुल्तान के असातिज़ा और मुलाजमीन है वो इन्वाइट हैं? जी सर, ऐसे ही है। अच्छा, तो आप इस हवाले से कुछ तकरीब के हवाले से या कुछ ये जो आप कर रहे हैं उसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? जी हम यही कहना चाहेंगे कि जितने भी हमारे बैच से पहले बैच थे या बाद में जो बैच बने हैं, मतलब 2004 के हैं, 2005 के, हम 2003 के बैच के हैं, तो मेरा पैगाम, मेरा मैसेज उनको ये है कि भाई आप स्ट्रगल करें, बजाय इसके कि हमें फ़ोन करें कि भाई हमें शामिल कर लो, तो ये खुद भी कोशिश करें कि ये अपना दोस्तों को इकट्ठा करें, अगर वो हमारे इस तरह आज जिस तरह आप कर रहे हैं इस तरह करें, हाँ इस तरह वो इकट्ठा करें और उस्ताद इकराम को इज्जत दें और अपने अपने जो दोस्त खो चुके हैं वो, मैं तो यही कहूँगा कि नहीं, वो इकट्ठे होने का एक बहाना बन जाए, एक इकट्ठे होने का बहाना बन जाए और उस्ताद इकराम को भी बुलाएं, वो कहते हैं कि आपसे सीखें सेम इसी तरह समय लेकर। अच्छा, हाफ़िज़ साहब, दिए से दिया जलता है, आपने पहला चिराग यानी यूँ समझे कि पहला चिराग जलाने की कोशिश की है, अल्लाह ताला आपकी स्ट्रगल कामयाब करे जो आप कर रहे हैं, तो यकीनन वो जो आपसे छोटे हैं या आपसे बड़े हैं उनके लिए आप मिसाल बनेंगे, तो कैसे जज्बात हैं, कैसे आपके एहसास हैं सर? कुछ आप बड़े जज्बात से ये काम कर रहे हैं, मैंने देखा है कि पूरे ग्रुप में आप बहुत एक्टिव हैं, तो क्या जज्बात हैं आपके और ये आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आप पे पहले बैच हैं यानी 2002 में, 2001 में, 2005 में, 2007 में, उनकी जो ख्वाहिश है ना कि अपने साथियों से मिलें, अपने दोस्तों से मिलें, उनको क्या पैगाम देंगे? उनको हम बताना चाहते हैं कि जो टीचर हजरात हैं जिन्होंने हमें इस लेवल तक पहुँचाया है उनकी इज्जत क्या है, उनका एहतराम करना ज़रूरी है, और वो हमसे सीखें या हमको कमी कोताही है तो उसको दूर करें, हमसे रابطہ रखें, तो हम चाहते हैं कि टीचर हजरात की इज्जत उनको दें और अपने लेवल के लोगों को, स्टूडेंट हजरात को अपने भाइयों की तरह सलूक रखें और उनकी खुशी और गमी में शरीक हों। अच्छा हाफ़िज़ साहब, ये सब कुछ आप 1 महीने से कर रहे हैं, कोई तकलीफ़ दे कोई बात सामने नहीं आई, किसी ने तकलीफ़ दी हो, किसी ने ताना मारा हो, किसी ने ना की हो और दिल टूटा हो? 18 साल के बाद बिछड़े हुए दोस्त जब हमसे मिले हैं तो पहले तो हमें यही नहीं पता था कि वो जिसके पास जा रहे हैं वो इस दुनिया में भी है कि नहीं, लेकिन जब उससे 18 साल बाद मुलाकात हुई तो हमें एक खुशी महसूस हुई और कई दफ़ा तो ऐसा हुआ कि हमारी आंखों से आंसू जारी हो गए कि हमने तो सोचा भी नहीं था कि हम इन लोगों को, इन दोस्तों को, इन भाइयों को मिल पाएंगे ज़िंदगी में दोबारा, तो हमारा खुशी का मकसद सबसे बड़ा यही साबित हुआ है। आपने अपने क्लास फेलोज़ की लिस्ट कहाँ से तलाश की? जी बस वो लिस्ट हमने खुद ही बनाई है, लिस्ट तलाश नहीं की, जैसे जैसे हमने दोस्तों से रबते किए, हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने हमें कुछ दोस्तों के नंबर वगैरह दिए, उनके एड्रेसेस दिए कि ये फलां गांव में है, ये फलां मोहल्ले में है, तो फिर हमने बाकायदा उसको एक पेपर वर्किंग के तौर पर लिया और हमने जब उस दोस्त के पास गया तो उसका पूरा डाटा जो हमने वो लिखा ताकि वो बाद में हमें जो इसमें काम आ सके। अच्छा मलिक साहब, आप ये फरमाइए कि वो दौर 2003 वाला दौर आपको आज भी याद है? बिल्कुल जी, आज भी याद है, वो डेस्क भी मुझे याद है जहाँ पे अंसर शाम साहब और मैं और तारक साहब जो बैठा करते थे सबसे फर्स्ट वाले मतलब डेस्क पे, और अगर आप इजाज़त दें तो एक मैं फ़नी बात करना चाहूँगा कि हम अभी आज भी याद कर रहे हैं, जब सुबह फर्स्ट टाइम हम डेस्क पे आते थे तो हमारा एक दूसरे का हाल पूछने का एक स्टाइल अजीब होता था,
कि इनके वालिद मोहतरम का नाम है नादर अली। अच्छा। और मेरे वालिद साहब का नाम है मोहम्मद इसहाक। अच्छा। और जो हमारे भाई तारक थे उनके वालिद साहब का नाम है मोहम्मद आरफ। तो हम एक दूसरे को इस तरह मुखातब होते थे कि भाई साढ़े मेरे भाऊ का की हाल है, भाऊ नादर का। इन्होंने मैंने पूछना कि हाँ भाई भाऊ इसहाक का की हाल है, सानू अज भी याद आते हैं भाई आरफ का की हाल है। असी तारक नूं पूछना, उन्होंने साडा पूछना। सुबह सब तो पहले साडा तारफ इस तरह का हुंदा सी। और हमें याद है सर कि वो दिन वो जो गुजारे थे हमने इकट्ठे पूरी क्लास ने, तो काफ़ी दोस्तों की ये चीज़ें याद रह जाती हैं। हम जब अभी भी मिले हैं हाफिज साहब के साथ और अंसर भाई के साथ, दोस्तों को जहाँ मिले हैं गांव में या किसी काम पे वो लगे हुए हैं, किसी ने इतला दिया कि वो फलां बंदा फलां जगह पे काम कर रहा है, तो फौरी हम गए उसको मिले हैं, तो हमें याद आई है कि यार इसकी ये आदत थी और इसकी ये आदत थी वो। अच्छा हाफिज साहब, आप ये फरमाइए कि सारे दोस्तों तक आप अपना पैगाम पहुँचा चुके हैं या अभी कुछ दोस्त रहते हैं? तकरीबन हम पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल तक, कोई एक या दो साथी या तीन साथी शायद, कोई शार्ट हो, इसके अलावा तकरीबन हम पहुँचे। आप दोस्तों तक पहुँचे हैं तो कोई दोस्त ऐसे भी होंगे जो आला उदों पे फायज होंगे और कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो इस तस्वर भी नहीं आप कर सकते कितनी ज़्यादा वो आगे निकल चुके हैं, ऐसे मिले आपको दोस्त? जी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कई दोस्त काफ़ी अच्छे उदों पर फायज हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने भी हमारे साथ वही शफकत और प्यार बचपन वाला दिखाया है अल्हम्दुलिल्लाह, हम खुशी का इजहार नहीं कर सकते। आप क्या समझते हैं वो आएँगे? इंशाल्लाह उनके वादे हैं, हमारी सच्ची मोहब्बत है, इंशाल्लाह वो ज़रूर आएंगे और हमें 100% नहीं 110% यकीन है वो ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं आपका प्रोग्राम कामयाब रहेगा? जी इंशाल्लाह कामयाब रहेगा, ये तो 5 तारीख को इंशाल्लाह पूरी पाकिस्तान देखेगा और पूरी दुनिया में इंशाल्लाह ये देखा जाएगा। रोशन पाकिस्तान के जरिए भी आप देखेंगे इंशाल्लाह, इसी चैनल के ऊपर आप देखेंगे और दूसरे भी चैनल के ऊपर देखेंगे, इसके ऊपर आप ये रोशन पाकिस्तान, जिस बंदे ने ये प्रोग्राम नेक्स्ट 5 तारीख वाला देखना है वो सब्सक्राइब करें। अली अंसर शाम आप ने दोस्तों से मुलाकात की तो आपका क्या ख्याल है कि सारे दोस्त शामिल हो जाएंगे, सारे साथ आएंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि दोस्तों का जो प्यार मोहब्बत और जो उन्होंने हमें वेलकम किया है जब हम उनके पास गए हैं, तो उससे हमें अंदाज़ा है कि इंशाल्लाह वो ज़रूर आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमें सादा की तरफ से जो हमें दुआएँ और प्यार मिला है, तो इंशाल्लाह हमें भरपूर यकीन है कि हमारे साथ सब दोस्त इंशाल्लाह मिल बैठेंगे 5 तारीख। आपकी एक पोस्ट मैंने पढ़ी थी कि ये पाकिस्तान की तारीख में पहला प्रोग्राम होगा कि 18 साल बाद कोई बिछड़े हुए जो स्टूडेंट हैं वो अपने साथियों को प्रोटोकॉल देने चले हैं, अपने दोस्तों को इकट्ठ कर रहे हैं। मेरा भी ख्याल है आप किसी हद तक ठीक कह रहे हैं, तो बहुत अच्छी पोस्ट लगाई थी, उस पोस्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं रात को बैठा था तो मुझे ख्याल आया कि ये अपने एक तरीके का एक मुनफरिद प्रोग्राम होगा जिसमें 18 साल से बिछड़े दोस्त भी आएंगे और उस दौर के असाज़ा भी आएंगे। तो ये देख लें आपके ये पाकिस्तानी तारीख में शायद ये पहला वाकया हो कि हम कोई ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। अच्छा आखिर में मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को, अपने उन दोस्तों को हमारे चैनल की तवस्सत से मैसेज दें जो आप हमारा चैनल देख रहे हैं कि वो ज़रूर शामिल हों। आप अपनी ज़बानी कह दें, अपनी ज़बानी इन्विटेशन दें ताकि कोई दोस्त हमारा रहना जाए। जी इस प्रोग्राम के हवाले से मैं सब दोस्तों को यही कहूँगा कि जो हमारे क्लास के दोस्त हैं 2003 में जिन्होंने मैट्रिक किया है गवर्नमेंट हाई स्कूल कोट शौकत सुल्तान से, वो अगर हम उनके पास नहीं पहुँचे या हमारा पैगाम उन तक नहीं पहुँचा और अगर इस चैनल के हवाले से उन तक हमारी बात पहुँच रही है, तो हम उनसे उन्हें हम दाव देते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में ज़रूर आएँ। और अगर कोई दोस्त रह गया हो तो वो नाराज़ भी ना हो, हम माजरत चाहते हैं। नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूं कि 2003 में गवर्नमेंट हाई स्कूल कोर्ट शौकत सुल्तान, जो कि बिल्कुल हुजरा शाह मुकीम के करीब है, हुजरा शाह मुकीम का हिस्सा ही है, उस गवर्नमेंट हाई स्कूल से जिन तलबा ने 2003 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था, अगर ये दोस्त उन तक नहीं पहुंच पाए, उनमें से कोई दोस्त रह गया है तो वो रब्ता कर सकता है। हम स्क्रीन पे नंबर दे रहे हैं अली अंसर शाम का और मलक साहब का, हाफिज नियाज साहब का नंबर दे रहे हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और उस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल हों। ये इन दोस्तों की भी खुशी है और नसाज़ा की खुशियों में शामिल हों, ये एक इकट्ठा होने का आपको मौका दिया जा रहा है और इस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। इंशाल्लाह ये एक एम ले के आगे निकले हैं और ये एक दुख सुख के
साथी बनना चाहते हैं और ज़रूरत भी इस दौर में गए गुजरे दौर में मोहब्बतें बांटने की है। इस दौर में तो नफरत के लिए टाइम है ही नहीं किसी के पास, अगर हम मोहब्बतें शेयर कर लें तो क्या बात है। तो इनका तकरीब जो है वो 5 सितंबर को 5 बजे मरियम मैरिज हॉल जो कि दीपालपुर कसूर रोड पर वाक़ है चौक हुजरा शाह मुकीम में वहाँ हो रही है, जिसमें तमाम असातिज़ा शरीक हो रहे हैं और तमाम तलबा शरीक हो रहे हैं। तो अगर कोई तालिब इल्म तक के मैसेज ना पहुँचा हो तो इन नंबरों पर रबता करके इनसे मज़ीद मालूमात ले सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी उस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। यकीनन ये दोस्त आपको वेलकम कहेंगे और आपको एक अच्छे दोस्त भी मिलेंगे, एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिलेगा जहाँ रह के आप मोहब्बतों को फ़रोग दे सकते हैं। मलक साहब, ये सारा तसव्वुर जो है, ये सारा कुछ करने का, असातिज़ा को प्रोटोकॉल देने का, इज्जत देने का आइडिया आपका था, तसव्वुर आपका था, तो ये आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते थे, तो ये फिर आपने मंजिल पाने के लिए इन दोस्तों का साथ लिया, इनका आपके साथ तावन कैसा रहा और आपकी अपनी जो ज़ाती सोच थी ये कहाँ से डेवलप हुई? सर, ये तसव्वुर तो मेरा था लेकिन इसको कामयाब करने के लिए मुझे कुछ साथी भी चाहिए थे, बल्कि मेरे साथ थे अंसर शाम और आफत न्याज साहब, इन्होंने बहुत इसको पाया तकमील तक पहुँचाया। मैंने तो सिर्फ़ एक सोचा था माज, तो इन्होंने इसको पायो तकमील तक पहुंचाया और एक महीने के अंदर अंदर हमने ये पार्टी 5 तारीख वाली कामयाबी से आज हमें ये पहले दिन से हमें था कि हमारे 10-15 बंदे आएंगे, दोस्त आएंगे या एक दोस्त सदा कराम आएंगे और आज हम 110% इस उम्मीद पे हैं कि पूरे जो ये भी दोस्त थे इनकी मेहनत से वो इस पार्टी में शरीक होंगे। हाफिज नियाज अहमद साहब, आप आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे इस तकरीब के हवाले से? जी, मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ आने वाली नस्लों को कि असातिज़ा कराम के नक्शे कदम पर चलें, जैसा कि हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त पाई है, ऐसे ही असातिज़ा कराम की इज़्ज़त करें और उनको मज़ीद जो ना इज़्ज़त देने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। और आखिर में मैं अपने नाज़रीन से गुजारिश करूंगा, ये वीडियो देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मिलते हैं किसी और के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।